नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लर्न टेक्निकल एनालिसिस विद मी पार्ट 18 वीडियो में। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं फॉलिंग चैनल। जो मैं आप लोगों के लिए जो मैंने लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो था असेंडिंग चैनल। उसमें क्या होता था, उसमें एक डाउन ट्रेंड होता था। डाउन ट्रेंड के बाद हम एक प्राइस का पुल बैक देखते थे। उस पुल बैक में एक जो है चैनल के रूप में जो है प्राइस कंटिन्यू उसके अंदर अंदर ट्रेड करता था। ट्रेड करने के बाद ब्रेकआउट करके फाइनली फिर अपने लास्ट का जो ट्रेंड था उसमें जो है आ जाता था। अब इसमें क्या है, ये जो है इसका सेम बिल्कुल ऑपोजिट है। इसको जो हम बोलते हैं डिसेंडिंग चैनल चार्ट पैटर्न, और इसको फॉलिंग चैनल भी बोला जाता है। तो फॉलिंग चैनल में आप जैसा कि यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहां पर क्या होता है, यहां पर एक कंटिन्यू अप ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड के बाद यहां पर मार्केट एक पुल बैक करती है। पुल बैक करने के बाद यहां पर लोअर हाई और लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए एक चैनल के रूप में यहां पर जो है आपको दिखाई देगी। ये चैनल बनाने के बाद जब फाइनली यहां पर इसका ब्रेकआउट होता है, तो इसका अब हम जाके देखेंगे कि यहां पर हमको किस तरह से ट्रेड यहां पर लेना चाहिए, क्या हमारे टारगेट होने चाहिए और हमारा क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये पैटर्न जो है एक कंटिन्यूशन पैटर्न है। दिस इज नॉट ए जो हम बोल सकते हैं रिवर्सल पैटर्न, ये कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं होता है, ये एक कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। अगर वो अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड में ही आपको जो है एक डाउन चैनल इस तरह से दिखेगा। ये आपको एक फ्लैग के रूप में भी दिख सकता है। अगर देखिए वहां पर छोटे टचेज हैं, कम टचेज हैं, जैसे एक या दो टचेज हैं, तो वो आपको फ्लैग के रूप में दिखाई देगा। अगर उसमें टचेज ज्यादा हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी 6 5 6 टचेज हैं, नीचे भी 5 6 टचेज हैं, तो वो एक चैनल का रूप ले लेता है। तो सो मतलब इसको हम जो है एक फ्लैग के रूप में ही देख सकते हैं। ये समझ लीजिए फ्लैग का ही एक दूसरा रूप है जिसको हम फॉलिंग चैनल कहते हैं और डिसेंडिंग चैनल कहते हैं। तो मैं आप लोगों को, चलिए मैं आप लोगों को चार्ट में इसको जो है पहले प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं कि ये चैनल किस तरह से फॉर्म होता है मार्केट में, और हमको किस तरह से हमको जो है इसको जज करना है कि ये वाकई ये फॉलिंग चैनल है या फिर कुछ और है। तो इसको देखिए, सबसे पहले तो मतलब हमको अपनी आंखों को ट्रेंड करना होगा हमको ये पैटर्न पहचानने में। हम कोई भी चार्ट पैटर्न देखते हैं, देखिए मैंने आप लोगों के लिए पूरी सीरीज जो चालू की हुई है चार्ट पैटर्न की, तो उसमें देखिए जब तक आप अपनी आईज को ट्रेंड नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक जो है मतलब इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। सो आप लोगों को जो है मतलब अपनी आईज को ट्रेंड करना पड़ेगा चार्ट पैटर्न को कैच करने के लिए। अब इसके बाद हम जो है कैंडल स्टिक की जो है पूरी सीरीज चालू करेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन की पूरी सीरीज चालू करने वाले हैं। तो जो है मतलब आप जो है साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाइए, आप लोगों को जो है सीखने में बहुत आसानी होगी। तो इससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मैं जो आपको जो है मतलब एक ब्लैंक चार्ट पर लेकर चलता हूं। ये हमने ब्लैंक चार्ट खोल लिया है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। यहां पर मार्केट एक समझ लीजिए अप ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट यहां पर एक अप ट्रेंड में है, कंटिन्यू हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन में इस तरह से मार्केट यहां पर चल रही है। ये देखिए यहां पर हायर लो मार्केट बना रही है, फिर एक हायर हाई, मतलब मार्केट हम कह सकते हैं मार्केट यहां पर एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू जो है चल रही है। और कंटिन्यू यहां पर अप ट्रेंड में चलने के बाद जो है मार्केट, देखिए कभी भी ऐसा नहीं आप देखेंगे कि मार्केट जो है रॉकेट की तरह सीधी ऊपर जाती है। मार्केट एक छोटा सा पुल बैक लेती है, जैसे यहां पर आप कंटिन्यू यहां पुल बैक देख रहे हैं, तो ये एक पुल बैक होता है। तो ये पुल बैक मतलब थोड़ा सा नीचे आकर प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाती है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मार्केट यहां पर एक, ये समझ लीजिए काफी एक लंबा अप ट्रेंड चला आ रहा है। उसके बाद मार्केट इस तरह से एक नीचे की तरफ जो है फॉर्म होगी, आप इस तरह से देख सकते हैं। मार्केट यहां पर जो है एक इस तरह से चैनल बनाएगी। ये चैनल जो है देखिए ये पैरेलल होना चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ट्रायंगल के रूप में नहीं होना चाहिए। अब देखिए मार्केट ने यहां पर क्या किया है, अब यहां पर एक लोअर लो बना है। लोअर लो बनने के बाद यहां पर एक लोअर लो बनेगा, लोअर लो बनने के बाद अब यहां पर एक लोअर हाई बनेगा। जहां पर आप देख रहे थे मार्केट कंटिन्यू हायर हाई और हायर लो बना रही थी, अब मार्केट ने वहां पर क्या किया है, वहां पर मार्केट ने अब एक लोअर हाई बनाना चालू किया, लोअर हाई और ये फिर लोअर लो। ओके, फिर यहां पर एक लोअर हाई, उसके बाद फिर यहां पर मार्केट ने एक लोअर लो इस तरह से बनाया। देखिए अगर ये छोटा छोटे रूप में बनाती है, मतलब इसकी जो है चैनल छोटा है, तो उसको आप एज ए फ्लैग पैटर्न भी है जो है देख सकते हैं। बट अगर यहां पर मार्केट जो है काफी देर तक इस चैनल के अंदर सस्टेन कर गई, तो इसको हम जो है डिसेंडिंग चैनल बोलेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके,
तो यहां पर क्या होता है, यहां पर मार्केट फाइनली इसको ब्रेक करती है। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां कंटिन्यू मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही थी, कंटिन्यू एक मतलब अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था। अच्छा अप ट्रेंड चलने के बाद मार्केट ने यहां पर एक पुल बैक दिखाया, और वो जो पुल बैक दिखाया वो कंटिन्यू जो है हमको यहां पर पांच छह या चार पांच या तीन चार कुछ भी हम कह सकते हैं, यहां पर हमको लोअर हाई और लोअर लो देखने को मिला। तो हमने यहां पर देखिए क्या करना है, बहुत सिंपल है, यहां पर आपको जो है अपने लोअर हाई पकड़ते हुए यहां पर आपने देखिए, जैसे मैंने यहां पर ड्रॉ करके रखा हुआ है, सॉरी पहले मैं इसको जो है इस तरह कर दूं, हाँ ये जो मैंने यहां पर ड्रॉ करके रखा हुआ है आप यहां पर देखेंगे, आपने यहां पर कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है, यहां पर आपने दो लोअर हाई पकड़ने हैं, यहां पर आपने दो लोअर हाई पकड़ने हैं, जैसे एक ये लोअर हाई पकड़ा आपने, दूसरा ये लोअर हाई पकड़ा, ये लोअर हाई पकड़ के आपने इसको इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर देना है। सेकंड जो है आपने जो नीचे की तरफ जो आपने देखा, अब मार्केट जो है पहले कंटिन्यू हायर हाई हायर लो बना रही थी, अब मार्केट ने यहां पर एक लोअर लो बनाया, ये देखिए लास्ट का जो इसका लो लगा हुआ था उस लो को ब्रेक करते हुए एक लोअर लो बनाया। अब आपने क्या करना है, और यहां पर सेकंड टाइम भी मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, अब आपने यहां पर दो लोअर लो को पकड़कर इस लाइन को एक्सटेंड कर देना है। अब देखिए यहां पर मार्केट क्या होगी, यहां पर मार्केट का ब्रेकआउट होता है, ठीक है। अब जिस जैसे मतलब पहले कंटिन्यूशन एक अप ट्रेंड चला आ रहा था, अब ये जो है फिर एक अप ट्रेंड में ही जाएगा। अब यहां पर मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, इसका प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने फिर यहां पर एक पुल बैक जो रीटेस्ट करने के लिए आ जाती है, रीटेस्ट करने के लिए आ जाती है मार्केट, फिर उसके बाद फिर जो है यहां से फिर देखिए मार्केट या तो रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है या मार्केट अगेन फिर जो है सीधी यहां से निकल भी सकती है। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, तो दोनों पोजिशन आपको देखने को मिल सकती है, या तो मार्केट डायरेक्ट यहां से ऊपर की तरफ निकल सकती है या फिर यहां पर एक छोटा सा एक रीटेस्ट करने के लिए इस चैनल के ऊपर आ सकती है, इस यहां पर सपोर्ट लेने के लिए। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात देखने वाली यह है कि हमने अगर यहां पर जो है हमको अब एंट्री वगैरह किस तरह से लेनी है, तो यहां पर हम देखेंगे, देखिए यहां पर जो हमारा जो थंब रूल है वो तो कहता है कि आप ये जो लोअर चैनल है आप इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखिए। ओके, अगर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, अगर आपने स्टॉप लॉस अपना छोटा रखना है तो आप स्टॉप लॉस यहां पर अगर इस प्राइस के बीच में, इस चैनल के बीच में अगर आपको कोई स्विंग लो मिलता है तो आप वहां पर अपना जो है स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहां पर मान लीजिए आपने आपने स्टॉप लॉस रख दिया, तो ये हो गई हमारे स्टॉप लॉस की बात। एंट्री की बात अब हम करते हैं। एंट्री देखिए आप जो है यहां पर अगर मार्केट एक छोटा सा मान लीजिए यहां पर ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट रिटेस्ट करके आ रही है, फिर आप यहां पर जब इस प्राइस को अगेन ये जो है ये स्टॉक कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो है इसको क्रॉस करेगा फिर आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं। टारगेट आपका देखिए क्या होगा, टारगेट जहां से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी हमने स्टार्ट करी थी, यहां से हमने ट्रेंड लाइन अपनी ड्रॉ करनी स्टार्ट करी थी, हायर हाई को पकड़ते हुए जो ट्रेंड लाइन हमने जहां से स्टार्ट करी थी, तो वहां से हमने क्या करना है वही हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि ये टारगेट हमने पहला जो देखिए, टारगेट ऐसा नहीं है कि आपको यहीं तक मार्केट आके रिवर्स हो सकती है, ऐसा नहीं है, मार्केट आपको यहां से दोगुना टारगेट भी दे सकती है, तीन गुना टारगेट भी दे सकती है। तो मींस आपको जो है 70% जो है अपनी क्वांटिटी यहां पर जो है एग्जिट कर देनी है और जो है आपको कंटिन्यू अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है इफ यू वांट ए बिग प्रॉफिट। अगर आप एक बड़ा प्रॉफिट चाहते हैं तो आपको यहां पर 70% 75% 80% जो भी आपको अपने सिस्टम से जो भी आपका सिस्टम आपको अलाउ करता है तो आप उसके हिसाब से यहां पर अपना टारगेट बुक करिए। टारगेट बुक करने के बाद यहां से कंटिन्यू आपको जो है अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। तो चलिए आइए अब जो है हम चार्ट में चलते हैं और चार्ट में देखते हैं किस किस में स्टॉक में कौन से इंडेक्स में ऐसा बना था। तो मैं आपको सबसे पहले मैं निफ्टी का इंडेक्स दिखाना चाहूंगा। तो यहां पर हमने निफ्टी का भी चार्ट खोलेंगे, तो ये देखिए निफ्टी 50 का हमने यहां पर चार्ट खोल लिया है और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये 1 आवर का चार्ट होगा। तो 1 आवर के चार्ट में अब यहां पर देखिए हम यहां पर पीछे की तरफ चलेंगे और यहां पर मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ भी करके रखा हुआ है। तो ये देखिए अब मैं थोड़ा चार्ट को यहां पर बड़ा कर लेता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से मार्केट में ये बनता है। सबसे पहले तो आप यहां पर देखिए ये एक अप ट्रेंड है जो हमारा फर्स्ट और जो है मतलब सबसे पहला जो रूल होगा वो हमको देखना है, ये एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, नॉट इन डाउन ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड में बिल्कुल भी आपने ड्रॉ नहीं करना है, डाउन ट्रेंड में ड्रॉ करेंगे तो चीजें उस तरह से वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये देखिए एक डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने देखिए एक यहां पर पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद अभी हम देखिए
हमको यहां पर इसके नीचे हमको मिनिमम 30 to 40% हमको इसके नीचे हमको ये जो स्विंग लो चाहिए। अगर उससे बढ़िया आप क्या है कि अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो आप इसका जो भी गैप है, इस चैनल का जो भी गैप है, आप उसके 50% पर आप यहां पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, तो ये मान लीजिए हमारा स्टॉप लॉस हो गया और यहां पर हमारी एंट्री होगी जहां पर ब्रेकआउट हुआ है, तो यहां पर हमारी एंट्री होगी। और टारगेट देखिए, ये हमारा जहां से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, तो यहां से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, तो ये हमारा टारगेट हो गया। और यहां पर आप देख सकते हैं टारगेट हमारा बहुत इजिली जो है अचीव हो चुका है। ओके, तो उसके बाद देखिए टारगेट भी हमारा अचीव हुआ। टारगेट अचीव होने के बाद जो है मार्केट ने उसके ऊपर जो है मतलब जाकर क्लोजिंग की है, काफी ऊपर गया है उसके बाद भी। तो हमारा टारगेट देखिए अचीव हुआ। हमारा टारगेट देखिए कितना था, हमारा टारगेट था 10200 से लेकर के 10650 तक। तो हमारा 450 पॉइंट का यहां पर टारगेट था और स्टॉप लॉस हम देखने की कोशिश करेंगे 10200 से लेकर के हमारा 10190। तो 110 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस था। तो देखिए मैं इसलिए आपको बोलता हूं, ये जो असेंडिंग चैनल होते हैं, जो डिसेंडिंग चैनल होते हैं, जिसको हम जो है फॉलोइंग वेज कहते हैं डिसेंडिंग चैनल को, तो इन सब पैटर्न में जो है आपको टारगेट बहुत बड़े मिलते हैं अगर हम इसको कंपेयर करें अपने स्टॉप लॉस से। तो यहां पर आपको बहुत इजिली 1:3, 1:4, 1:5 तक के टारगेट बहुत इजिली मिल जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका ये जो ट्रेंड लाइन है ये कौन सी डिग्री में है। अगर ये 45 डिग्री में है तो आपको यहां पर 1:2, 1:3 बहुत आसानी से मिलेगा। अगर यही आपका लाइक कुछ सीधी ट्रेंड लाइन है, मीन्स कहने का मतलब अगर वो ट्रेंड लाइन इस तरह से है और हमारी देखिए एंट्री अगर यहां पर हो रही है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारा जो है टारगेट कितना बड़ा होने वाला है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो है स्टॉप लॉस यहां पर अगर छोटा रखने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए इस डिसेंडिंग चैनल में भी तीन तरह के, थ्री टाइप्स ऑफ द डिसेंडिंग चैनल यहां पर होते हैं। तो मैंने इससे लास्ट वाली वीडियो में जो मैंने असेंडिंग चैनल की जो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां पर जाके देख सकते हैं कि वो तीन तरह के जो है चैनल किस तरह के हो सकते हैं। वो असेंडिंग चैनल में भी सेम टाइप के होंगे और डिसेंडिंग चैनल में भी सेम टाइप के होंगे। उसमें सिर्फ जो है मतलब फर्क इतना होगा कि वो असेंडिंग चैनल ऊपर की तरफ जो है मतलब पुल बैक करता है और जो डिसेंडिंग चैनल जो है नीचे की तरफ पुल बैक करेगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, तो ये देखिए जैसे अप ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड के बाद एक डिसेंडिंग चैनल नीचे की तरफ होना चाहिए पुल बैक नीचे की तरफ, उसके फाइनली यहां पर ब्रेकआउट करता है। दूसरा मैं आपको बैंक निफ्टी का इंडेक्स भी दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी के देखिए इंडेक्स में ये अगर आप करेंगे तो अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इंडेक्स में आपको बहुत ही अच्छा यहां पर प्रॉफिट मिलने वाला है, बशर्ते आपको जो है मतलब पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से ढूंढना होगा। अगर पैटर्न आप ढूंढने में कामयाब हो गए, सक्सेस हो गए, प्रैक्टिस अगर आपने कंटिन्यू करी, तो यहां पर देखिए बहुत अच्छा प्रॉफिट ये पैटर्न देने वाले हैं। बिकॉज ये जो पैटर्न होते हैं, ये पैटर्न देखिए प्रोफेशनल्स के ये फेवरेट पैटर्न होते हैं। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं तो आपको यहां पर दिखाऊंगा कि ये कंटिन्यू एक अप ट्रेंड है। अगर आप यहां पर क्लियरली देख रहे हो, ये कंटिन्यू देखिए एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया है, मतलब मार्केट कुछ नीचे की तरफ आई है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने यहां पर हमको एक देखिए लोअर हाई मिला, ये हमको एक लोअर हाई मिला, ये लोअर हाई, तो हमने दो लोअर हाई यहां से पकड़े और दो लोअर हाई को पकड़ते हुए ये देखिए हमने यहां पर दो लोअर हाई इस तरह से हमने पकड़े और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद हमको कुछ नहीं करना है, ये जो अगले लोअर हाई बनेंगे ये अपने आप ऑटोमेटिकली जो है यहीं से होके रिवर्स होंगे, यहां से ब्रेकआउट करेंगे और उसके बाद हमने नीचे से जो है लोअर लो पकड़ दिए। अब यहां पर देखिए स्टॉप लॉस हमारा कहां पर होने वाला है, स्टॉप लॉस देखिए यहां पर जो हमको एक स्विंग लो मिला हुआ है ये बहुत नजदीक है, मीन्स ये नियर अबाउट 10 to 15% है इस चैनल के अगर हम जो है कंपेयर करें तो हमको स्टॉप लॉस मिनिमम यहां पर रखना है 40 to 50% के नियर हमको जो है स्टॉप लॉस रखना है। 40 to 55% में क्या कह रहा हूं, अगर आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे, जो चैनल का जो गैप है, मान लीजिए चैनल का गैप 100 रुपए है तो हमको 50 रुपए पर अपना स्टॉप लॉस रखना है। अगर चैनल का गैप 25 रुपए है तो हमको यहां पर 12 रुपए 13 रुपए हमको यहां पर स्टॉप लॉस रखना है। तो इस तरह से आपने अपने यहां पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सेकंड आपका देखिए एंट्री तो आपको पता ही लग गई होगी कि यहां पर जो है आपकी एंट्री होगी, जहां ब्रेकआउट होगा वहां पर आपकी एंट्री होगी। और टारगेट हम देखेंगे जहां से, हम देखिए हमने ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ की हुई है, तो यहां पर हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, तो यहां पर हमारा ये टारगेट होगा। अभी पहले हम अपना स्टॉप लॉस देख लेते हैं, स्टॉप लॉस हमारा कितना था। स्टॉप लॉस हम यहां पर अगर देखेंगे 23,850 और यहां पर है 24,450, मान लीजिए 425 है, तो निबाउट 375 रुपए का हमारा यहां पर स्टॉप लॉस है। और यहां पर अगर हम टारगेट देखें, इसको मैं अब एक्सटेंड कर रहा हूं, तो यहां पर देखिए टारगेट हमारा है यहां पर 24,450 और ऊपर की तरफ जो है 26,800 नियर अबाउट। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं 24,450 नियर अबाउट, 600 पॉइंट यहां पर और
24, यहां पर आप देख लीजिए 24,800, तो आप देखिए 300 प्लस पॉइंट, 300 प्लस पॉइंट 24 और 9, सॉरी आपको यहां पर 2000 प्लस पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिला है। अब यहां पर आप ये सोचिए कि आपको कितना बड़ा टारगेट यहां पर मिला है और कितना छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर। आपका स्टॉप लॉस ओनली था यहां पर 23,900 और यहां पर 24,400, ओके। तो 23,900 और 24,400, तो नियर अबाउट आपका 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 500 पॉइंट स्टॉप लॉस के बाद आपको 2000 प्लस पॉइंट का प्रॉफिट है। तो यहां पर आपका प्रॉफिट जो है 1:5% का होना है। बस देखिए आपको जो है मतलब ये जो डिसेंडिंग चैनल जो है ये बहुत अच्छे से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। आपको वहां पर अप ट्रेंड जरूर देखना कि वो अप ट्रेंड में बन रहा हो। अगर अब मैं बात करूंगा स्टॉक की, तो यहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा बजाज फिंसर्व में, बजाज फिंसर्व में ये जो डिसेंडिंग चैनल बना था और बहुत अच्छा इसने जो है टारगेट अचीव किया था। तो ये देखिए ये चार्ट जो है चैनल हमारे सामने आ गया है, और सबसे पहले आप यहां पर अगर देख रहे होंगे तो ये कंटिन्यू यहां से एक अप ट्रेंड में है। ये देखिए ये नीचे से एक अप ट्रेंड में है, मैं इसको ऐसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। तो यहां देखिए ये कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड आने के बाद प्राइस यहां पर पॉज हुआ है कुछ टाइम के लिए, और यहां पर हमने क्या किया है, हमने यहां पर दो इस तरह से ये देखिए हायर लो पकड़ते हुए, लोअर हाई पकड़ते हुए हमको हमने ये एक्सटेंड कर दी लाइन, और नीचे से लोअर लो पकड़ते हुए लाइन एक्सटेंड कर दी है। अब यहां पर देखिए हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस, यहां पर हम अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो ये देखिए यहां पर हमको एक स्विंग लो मिला हुआ है। देखिए कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो कैंडल ब्रेकआउट करती है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। देखिए ठीक है अगर आप उसके नीचे भी स्टॉप लॉस रखते हैं ठीक है, बट देखिए वहां पर 50-50 चांस होते हैं, वहां पर आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांस जो है 50-50 होते हैं। स्टॉप लॉस देखिए हमने अगर तो हम पैटर्न भी हम फाइंड कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, अपने रूल्स अपने डिसिप्लिन बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद स्टॉप लॉस होता है तो बहुत दुख लगता है। सो आपको जो है इसको जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है उसके नीचे स्टॉप लॉस ना रखकर अगर स्विंग हाई स्विंग लो के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपको वहां पर जो है 90-95% जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके प्रॉफिट होने की। तो आप यहां पर अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए। ये स्टॉप लॉस निकल के आता है देखिए 8,030 रुपए का, और यहां जहां पर हमारी एंट्री हो रही है वो एंट्री पॉइंट भी हम देखेंगे, ये हमारी एंट्री पॉइंट है। तो 8,030 रुपए और 8,230 रुपए, तो हमारा यहां पर 200 रुपए का जो है देखिए स्टॉप लॉस यहां पर बन गया, ओके। ये स्टॉप लॉस बन गया और यहां पर हमारी एंट्री हो गई। और हम अगर टारगेट की बात करें तो ये देखिए हमारा टारगेट भी बहुत यहां पर इजिली हमारा अचीव हो गया है। तो यहां पर 8,230 रुपए और यहां पर जो है 8,600, तो यहां पर 400 450 पॉइंट का यहां पर हमको यहां पर प्रॉफिट जो है अगर हम ट्रेड करते तो हमको यहां पर होता 8,230 और यहां पर तो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखकर आपको 1:2 का टारगेट यहां पर भी बहुत इजीली मिला है। देखिए बस आपको पैटर्न को फाइंड करना जो है बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। आपको मैं एक अगला स्टॉक दिखाता हूं इन्फीका, जिसमें आजकल जो है एक बहुत अच्छी मूवमेंट चल रही है, पीछे ब्रेकआउट भी हुआ था इन्फोसिस में, तो इन्फीका चार्ट में आपको दिखाता हूं। देखिए आप जो है सिर्फ वीडियो देखकर वीडियो खत्म कर दिए उसका कोई मतलब नहीं रहता, आप इसको प्रैक्टिस करिए। सेकंड मैं आपको बोलना चाहूंगा, देखिए जो मैं आपको 3-4-5 एग्जांपल दिखा रहा हूं इसको देखा करिए, वीडियो स्किप मत किया करिए। वीडियो स्किप करेंगे तो शायद काफी अच्छी अच्छी नॉलेज आप जो है मिस कर रहे हैं। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कंटिन्यू यहां पर अप ट्रेंड में है मार्केट, यहां पर एक कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड के बाद यहां पर मार्केट ने एक पुल बैक लिया है, ये देखिए मार्केट ने यहां पर एक पुल बैक लिया है। अब यहां पर ये देखिए हमको दो लोअर हाई पकड़ने थे, हमने यहां पर दो लोअर हाई हमने इस तरह से यहां पर अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसको क्या किया, हमने इसको इस तरह से एक्सटेंड कर दिया, ओके। अब देखिए हमने तो ट्रेंड लाइन पहले से एक्सटेंड कर दिया, हमको नहीं पता है कि यहां पर जो है डिसेंडिंग चैनल पैटर्न बनने जा रहा है। अब देखिए मार्केट जो है कंटिन्यू इसी ट्रेंड लाइन पर देखिए बार बार रेजिस्टेंस ले रही है, नीचे की तरफ आ रही रेजिस्टेंस ले रही है, नीचे की तरफ फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। तो फाइनली यहां पर देखिए हमने लोअर लो को हमने यहां पर जो है ट्रेंड लाइन्स के जरिए जो है हमने कवर किया, और यहां पर जो है ऊपर की ट्रेंड लाइन को जो है हमने लोअर हाई के जरिए कवर किया। और यहां पर अगर आप देखें तो हमारा जो है स्टॉप लॉस जो है स्टॉप लॉस आप यहां पर इसका 50% रख दीजिए, यहां पर 50% आपका स्टॉप लॉस हो गया, या फिर स्विंग लो ले लीजिए। अगर आप स्विंग लो लेते हैं तो आपका स्विंग लो ये है, मतलब इसका बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट हो गया, और 50% आपका ये है। और देखिए एंट्री हमारी यहां पर हो रही है, ये देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो जो कैंडल ब्रेकआउट देगी जब प्राइस नेक्स्ट कैंडल उसको क्रॉस करती है तो वहां हमारा जो है
टारगेट सॉरी एंट्री होती है। तो अभी हम यहाँ पर स्टॉप लॉस देखेंगे 620 रुपये और ऊपर जो है 650 रुपये, तो 30 रुपीज का हमारा यहाँ पर SL है। ओके, ये हमारी एंट्री है 650 पर और 620 हमारा जो है स्टॉप लॉस है। और यहाँ पर टारगेट देखिए, अगर हम टारगेट की बात करें तो जो हमने जो सबसे ऊपर का जो हमने पॉइंट पकड़ा हुआ है, तो इसको हम इस तरह से हम लेके चलते हैं और देखते हैं हमारा टारगेट। आप यहां पर देखिए, हमारा टारगेट जो है बहुत इजीली यहां पर अचीव हो चुका है। सॉरी, मैं थोड़ा इसको बिल्कुल एंड इस पॉइंट पर लेके चलता हूं। ओके, तो यहां देखिए हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। और टारगेट देखिए हमारा 30 पॉइंट का हमने SL रखा था, और 30 पॉइंट के SL पर हमारा जो है, आप टारगेट अगर देखेंगे तो टारगेट 30 पॉइंट के SL पर, मैं थोड़ा चार्ट मैंने बड़ा किया है, 30 पॉइंट के SL पर हमारा ये टारगेट जो था 750 और ये जो है 650। तो यहां पर हमको 100 रुपीज का हमारा यहाँ टारगेट था 30 पॉइंट का SL लगकर। तो आप यहां पर देखिए, वहां यहां पर भी 1:3 का टारगेट जो है बहुत इजिली यहां पर अचीव हो चुका है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा अमराजा बैटरी में। अमराजा बैटरी में भी इस तरह का एक डिसेंडिंग चैनल पैटर्न क्रिएट हुआ था। तो अमराजा बैटरी का मैं चार्ट खोल रहा हूं, तो यहां पर देखिए हमारे सामने ही आ गया। सबसे पहले अगर यहां पर देखेंगे कि यहां पर एक कंटिन्यू एक अप ट्रेंड है। ओके, यहां पर सबसे पहली चीज आपने यही देखनी है कि अप ट्रेंड होने के बाद डिसेंडिंग चैनल बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डाउन ट्रेंड में ही डिसेंडिंग चैनल ड्रॉ करके प्रॉफिट की जो है एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर एक देखिए कंटिन्यू एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने यहां पर देखिए एक पुल बैक लिया है। यहां पर देखिए फर्स्ट जो है लोअर हाई, सेकंड लोअर हाई, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो हमने ऊपर की लोअर हाई को पकड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, नीचे की लोअर हाई को पकड़ते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। और यहां पर स्टॉप लॉस देखिए हमारा 50% हम यहां पर हमने अपना स्टॉप लॉस रख दिया है। और एंट्री ये देखिए यहां पर हमारी जो है इस, ये देखिए जो यहां पर एक लास्ट हाई लगा हुआ है, इसके ऊपर हमारी यहां पर एंट्री हो गई। ओके, तो मैं मतलब आई होप दैट आपको जो है मतलब एंट्री, SL और टारगेट यहां पर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए टारगेट अब आपको पता ही लग गया होगा, टारगेट ये है हमारा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारा SL कितना है, 710 रुपये और एंट्री हमारी 735 रुपये, तो 25 रुपीज का हमारा यहां पर देखिए SL था और 725 टू हमारा 790, तो यहां पर 725 टू 790, तो यहां पर 65 रुपीज का हमारा टारगेट है। यहां पर भी हमारा 1:2.5 प्लस जो है हमारा यहां पर टारगेट अचीव हुआ है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल पैटर्न है, बहुत आसान पैटर्न है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप चाहें तो बहुत अच्छे से इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद अपने चार्ट में देखिए क्या वाकई उसके टारगेट अचीव होते हैं, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है कि नहीं होता है। आप उसको देखिए, बैक टेस्टिंग करिए। जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे, बैक टेस्टिंग के बिना जो है ये मतलब फिर आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली है। बैक टेस्टिंग जरूर किया करिए। और यहां पर आप देखिए, मैं आपको यहां पर दिखा दूं कि सबसे पहले यहां पर हम ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड हमारा यहां पर अप ट्रेंड है। ओके, यहां पर हमारा अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड का ये मैंने खोला हुआ है अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट मैंने खोला हुआ है। तो सॉरी, अडानी एंटरप्राइजेस, चलिए ठीक है, मैं इसको भी आपको दिखाया था, वैसे अडानी पावर में भी था। तो यहां पर देखिए आपका स्टॉप लॉस, देखिए यहां जब भी मैंने आपको चार्ट दिखाए हैं, यहां पर हम 50% पे अपना स्टॉप लॉस रख रहे हैं। ओके, और यहां पर एंट्री हमारी देखिए, यहां पर एंट्री हमारी हो रही है और टारगेट फाइनली यहां पर हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो यहां पर टारगेट निकल के आ रहा है। ओके, तो देखिए अगर आप इसको इंट्राडे चार्ट में करना चाहते हैं तो 5 मिनट के चार्ट में करिए। अगर आप कहें कि मैं 1 आवर के चार्ट में इसको ड्रॉ करके मैं टारगेट ले लूंगा, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। स्विंग ट्रेडिंग में आपको जाके ये टारगेट अचीव होने वाले हैं। तो यहां पर हमारा SL देखिए, हमारा SL था 120 122, और हमारा जो है एंट्री पॉइंट था वो था 127। तो यहां पर हमारा 5 रुपीज का SL था और 127 टू 147 और 20 रुपीज का हमारा यहां पर जो है देखिए टारगेट था। तो 5 रुपए का SL और 20 रुपए का जो है टारगेट, तो 1:4 का टारगेट। सो मैं इसलिए आपको जो है कहता हूं कि देखिए ये सब जो पैटर्न है, ये पैटर्न जो है जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जो इंस्टीट्यूट के जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, वो इन सब ये पैटर्न को जो है बहुत बारीकी से फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। अगर आप भी इनको बहुत अच्छे से फॉलो करना सीख गए तो बहुत अच्छा एक प्रॉफिट यहां से लेकर जा सकते हैं। सो देखिए बहुत आसान है। अगर आप असेंडिंग चैनल में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको एक डाउन ट्रेंड चाहिए, डाउन ट्रेंड के बाद आपको एक पुल बैक चाहिए, वहां पर आपको जो है असेंडिंग चैनल ड्रॉ करना है। अगर आप डिसेंडिंग चैनल देख रहे हैं तो आपको वहां पर एक अप ट्रेंड चाहिए, अप ट्रेंड के बाद आपको एक
पुल बैक चाहिए, उस पुल बैक में ये चैनल बनेगा, चैनल के ब्रेकआउट के बाद आपने ट्रेड लेना है। आपको एंट्री पॉइंट भी समझ जाएगा, ये आ गई होगी, आपको स्टॉप लॉस का भी पता चल गया होगा, आपको टारगेट का भी पता चल गया होगा। सो उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं आपको वीडियो मैंने जो बना के दी है आप लोगों के समझ में आई होगी और आप जो है मतलब इसको बहुत अच्छे से मतलब चीजें समझे होंगे, चीजों की जो बारीकियां हैं इसको आपने जो है कैच किया होगा। सेकंड मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए अगर जब तक देखिए मैं बार बार यही बात कहता हूं, आप भी कहेंगे देखो यार ये कैसा बंदा है बार बार एक ही बात बोलता है, विदाउट प्रैक्टिस यहां पर कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप कहो कि मैं किसी से टिप लेकर या किसी से कुछ करके मैं पैसे बना सकता हूं, तो आप भूल जाइए कि आप कोई पैसे बनाएंगे, आप पैसे बेकार करके यहां पर जाएंगे। सो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप चीजों को सीखेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली है, तब तक प्रॉफिट नहीं बनेगा। सो मेरे दोस्तों प्रैक्टिस जरूर किया करिए। सेकंड अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, आप जाकर वहां पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर 65,000 प्लस लोग वहां पर ऑलरेडी वहां पर ज्वाइन है। वहां पर मैं देखिए वहां पर मैं कॉल्स वगैरह देता रहता हूं, वहां पर मैं ये नॉलेजेबल चीजें पोस्ट करता हूं, ये चार्ट पैटर्न पोस्ट करता हूं, डेली 5, 10, 15, 20 चार्ट वहां पर पोस्ट करता हूं। उन चार्ट के जरिए आप जो है उनको देखिए खुद ड्रॉ करिए जो चार्ट मैंने पोस्ट किए हैं। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मैं आपकी जो है प्रॉब्लम दूर करूंगा, आपकी क्वेरी कोई भी है आपकी क्वेरी दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, सेकंड अगर आप हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अलाइस ब्लू में जाकर अपना अकाउंट खोलिए, आपको जो है हमारे सपोर्ट ग्रुप में ऐड किया जाएगा। वहां पर डेली आपको जो है इंट्राडे कोर्स दी जाती है, वहां पर इस तरह के चार्ट पैटर्न आपको बताए जाते हैं, ऐसे में चार्ट वगैरह पोस्ट करते रहता हूं। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इंकरेज करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।